संडे हो या मंडे, ये अंडे का प्रचार किसने किया था? बोलो किसने किया था, जरा बता। नहीं पता, आप लोग बहुत भुलक्कड़ हैं, हैं? हम नहीं भूलते। टीवी पर एक टाइम पर यह भी ऐड आता था, संडे हो या मंडे, अंडे का प्रचार। इसलिए अब वो लोग अंडे का आपको प्रचार कर रहे हैं। अंडे खाने वाले का धर्म क्या है? अंडे खाने वाला, मांस खाने वाला धर्मात्मा हो सकता है क्या? मुर्गी की टांग चूसने वाला धर्मात्मा हो सकता है क्या? अरे जो धर्मात्मा होगा वो किसी जीव की हत्या ही नहीं करेगा। जो कर रहा है वो धर्मात्मा कैसे है? हमारा धर्म तो ये कहता था कि हम चींटियों को भी, तुम्हारी दादी अम्मा आटा डालती थी, चींटी की भी हत्या ना हो, पक्षी को दाना। हमारे देश में एक राजा हुए हैं सिवी, उनकी गोद में कबूतर आकर गिरा। बहेली आया, बोला महाराज ये हमारा कबूतर है, हम जंगल से पकड़ कर लाए हैं और इसे हम खाएंगे पकाकर। राजा बोला देखो ये मेरी गोद में आया है, इसे अब तुम मार नहीं सकते, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये कबूतर मेरी गोद में आया है, जिसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बहेलिया बोला महाराज आप राजा हैं, पर वो मेरा कबूतर है, मेरे पिंजरे से उड़ गया, आपकी गोद में गिरा, दो मेरा कबूतर। राजा बोले तुझे कबूतर का मांस चाहिए ना, मैं तुझे कबूतर के वजन का मांस दे दूं तो? हाँ हाँ चलेगा। अब आप कहां से मांस लाएंगे? राजा मांस लाने के लिए किसी को तो मारना पड़ेगा, आप किसी का भी लाएंगे तो मारना ही पड़ेगा। राजा बोले इतने धर्मात्मा राजा थे, बोले मैं किसी की हत्या नहीं करता, तो कहां से लाएंगे मांस? बोले मैं अपना दूंगा। एक तराजू बांधी गई, तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को बिठाया गया कि इसके वजन का मांस बहेलिया को इसको देना है। तो राजा ने अपनी जंघाओं का, जांघ का मांस काट के तराजू में रखा तलवार से, पर कबूतर थोड़ा भारी था, दूसरी जांघ का मांस रखा, पता नहीं कबूतर कैसा मायावी था, फिर भी वजन कबूतर का ज्यादा, बराबर नहीं हुआ। सारी सभा लगी है, सारी दुनिया देवता देख रहे हैं कि वाह ऐसा राजा कि कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस चढ़ाए जा रहा है। राजा ने अपनी छाती का मांस काट करके रखा तलवार से, फिर भी उसका वजन ज्यादा। राजा ने अपना एक पांव काट दिया, पूरा पांव रखा, फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा। दूसरा पांव रख दिया, अब देखिए एक राजा अपने पांव काट दिया कबूतर के प्राणों के लिए। ये वो देश है, अंत में फिर भी कबूतर भारी। तो राजा ने अपनी गर्दन काटनी स्टार्ट की, तलवार अपनी गर्दन पर रखी और काटना चाहा, तब कबूतर से भगवान प्रकट हो गए। बस राजन, बस मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कबूतर के रूप में आया। धन्य है तुम जैसे राजा, तुम जैसे दानी राजा, जिन्होंने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने आप को चढ़ा दिया। ऐसा देश है हम भारतीयों का कि हम किसी की हत्या करना ठीक नहीं समझते। क्यों जी, किसी को मारना? हम तो दुश्मन को मारना ठीक नहीं समझते। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पकड़ लिया, बंदी बना लिया, क्या मार नहीं सकते थे? पर दुश्मन को भी नहीं मारना, जा छोड़ दिया, ऐसे 17 बार पकड़ के छोड़ा। ऐसे दया हमारे यहां। इसलिए जीव मात्र पर दया। आजकल ना लोग कुत्तों को, कुत्ते का मांस खाते हैं, कुत्ते को बिल्कुल गर्म पानी में डाल देते हैं, उबलते पानी में, जिंदा जिंदा कुत्ते को उबलते पानी में डाल देते हैं, जिससे गर्म पानी से उसके सारे रौमे झड़ जाते हैं और उसकी ऊपर की त्वचा और सॉफ्ट हो जाती है, तो आसानी से वो
छील लेते हैं, मतलब वो नोच लेते हैं, जो भी करते हो भगवान जाने। मतलब एक बात बताओ कि गर्म पानी में आप एक कुत्ते को डालें या एक मछली को डालें या एक मुर्गी को डालें, क्या उसे दर्द नहीं होता होगा? हमें और आपको डाल दिया जाए तो कितना पीड़ा होगी, असहनीय। जिंदा मछली को आप पकड़ करके कढ़ाई में डाल देते हैं, बताइए ये जीवों पर, मूक जीवों पर अत्याचार नहीं है? बोलो, अत्याचार नहीं है? मुर्गी को डाल देते हैं आप मशीन में, पूरा मशीन उसके पंख वंख, आजकल तो मशीनें आ गई, पहले तो मुर्गी हाथों से लोग उसके पंख नोचते थे। सोचिए कि जिसके पंख हाथों से नोचे जाएंगे, दर्द नहीं होता होगा उसे? तो ये उस मूक जीव पर अत्याचार है या नहीं? बोलो हाँ है। क्यों हम किसी, क्या हम दाल रोटी से, बादाम काजू से, साग सब्जी से जीवित नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं, जब हमारा पेट, हमारा गुजारा कंद मूल फल से हो सकता है, तो किसी की हत्या करके हम अपना पेट क्यों भरें, क्यों पाप के भागीदार बने? शेर के पास कंद मूल फल का ऑप्शन नहीं है, उसे नहीं पता क्या होता है कंद मूल फल, इसलिए वो शिकार करने के लिए मजबूर है, वो करता भी है, वो जानवर है। अब आप कहते हैं शेर खाता है मांस, कुत्ता खाता है मांस, महाराज जी तो वो जानवर हैं, क्या तुम जानवर हो? तुम मनुष्य हो? उनके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, तुम्हारी तरह बुद्धि और विवेक नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम किसी की हत्या करो तो अपराध है ना। राजा शिवी को भगवान ने उनका शरीर वापस किया और समाज को मैसेज दिया कि देखो जीव मात्र की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब है, शराब ना पीना, गलत काम ना करना। और ये सुपर डुपर स्टार जो कहते हैं, इनकी बातों में मत आना, ये तो पैसे लेकर जो कहलाओगे वो कह देंगे, इनका वश चले तो ये तो भारत मां को बेच दे, गुटखा बेच रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, सब जुए का प्रचार ये करें, इनका बस चले तो ये भारत देश को बेच के चले जाएं, क्यों जी? जिन्हें आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं, इसलिए अपने बच्चों को इन सुपर डुपर स्टार, ये सब कुसंगी हैं, इनसे बचाओ, वरना ये सब लोग, आज आपकी बेटियों को अश्लीलता किसने सिखाई? आपकी बेटी फटे कपड़े पहन के निकलती है, ये फटे कपड़े पहनना कोई साधु संतों ने तो सिखाया नहीं, आपके इन्हीं सुपर डुपर स्टारों ने सिखा दिया, हाँ या ना? पहले लोग साफ, पहले के लोग अच्छे कपड़े खरीदने जाते थे, आज के लोग पैसा देकर भी फटे कपड़े लाते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।